ना कुछ है मामला, कहीं ना कहीं हस्तक्षेप का भी मामला हो सकता है, क्योंकि एक फैसला जहां पर पूरे एक बड़े 40-50 करोड़ लोगों का अधिकार के ऊपर आक्रमण हो, अतिक्रमण हो, ये कोई छोटा फैसला नहीं था, और इसीलिए लोगों को सड़कों के ऊपर उतरना पड़ा। 2 तारीख को पूरे देश के अंदर बंद है, दिल्ली के अंदर 4 तारीख को है, और लोग सड़कों के ऊपर आएंगे, और मैं समझता हूँ कि सरकार को ठीक तरीके से पक्ष रखना इस पूरे मामले में पड़ेगा, और पुनर्विचार करते हुए और ज़्यादा कठोर कानून भविष्य में देखने को मिलेगा। वैसे तो कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो सड़कों के ऊपर ना हो, लेकिन जो पूरे हरियाणा के एक प्रतीक के तौर पे हैं, सारी पंचायतों को जो उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, 3.5-4 साल वो इंतज़ार करते रहे कि हमारा गांव का विकास होगा, गांव आगे बढ़ेगा, सबका साथ सबका विकास नारा तो दे दिया, लेकिन जब सरपंचों को और पंचों को ये लगा कि अब कुछ नहीं होने वाला है, जब वो वार्ता के लिए गए तो जिस तरीके से उनको वहाँ पर जलील किया गया, बेइज्जत किया गया, वो मैं समझता हूँ कि पूरे हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों का अपमान है, और ये अपमान वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने जीवन में संघर्ष नहीं किया, जिनको सत्ता जो एक गुमराह करने की हवा चली उसके अंदर उनको सत्ता मिली, और आज इसीलिए मैं समझता हूँ कि वो लोग अहंकार से पूरी तरीके से भरे होने के कारण इस तरीके का कर रहे हैं। हमारा पूरा समर्थन सभी सरपंचों को है, सभी पंचायतों को है, और कांग्रेस पार्टी की जहाँ भी उनको ज़रूरत पड़ेगी कांग्रेस पार्टी उनके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। अभी कई जगह हमारे साथियों ने कल भी समर्थन दिया, आगे भी जहाँ भी उनको ये ज़रूरत महसूस होगी कि यहाँ कांग्रेस को खड़ा होना चाहिए, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस वहाँ पर उनके साथ रहेगी।